डिजिटल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पीयूषा शर्मा। आज जो लाइव जिस मुद्दे पर जिस टॉपिक पर हम कर रहे हैं वो आज के समाज में हम सभी के लिए जानना समझना और उसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा लाइव है वो ट्रांस कम्युनिटी के लिए है, यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। हम सभी के बीच एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको आमतौर पर ये माना जाता है सिर्फ कुछ एक काम है जिनके लिए वो बने हैं। ट्रांस कम्युनिटी को हम अपने जो समाज है उसमें बराबरी का दर्जा कभी नहीं देते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी भेदभाव करते हैं। लेकिन ये भेदभाव हम और आप करते हैं, लेकिन इसको सरकार नहीं देखती। सरकार ने इसके लिए एक पहल की है और ये पहल NMRC यानी कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है। पहल ये है कि जो मेट्रो स्टेशन अभी आप देख रहे हैं, नोएडा का सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन, इस मेट्रो स्टेशन को प्राइड मेट्रो स्टेशन में बदल दिया गया है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम रख दिया गया है प्राइड मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में मिलाने के लिए, लाने के लिए ये स्टेशन बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टेशन में ये उत्तर भारत का पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन है जिसको पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया गया है। मतलब कि ये कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है यहाँ का, चाहे वो डोमेस्टिक स्टाफ हो, चाहे वो टिकट्स पर हो, चाहे वो सिक्योरिटी पर हो, ये जो सभी स्टाफ है ये ट्रांसजेंडर समुदाय से होंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आमतौर पर हम और आप जब नौकरी करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर हमें आसानी से नौकरी मिल जाती है, लेकिन कभी किसी ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई इंसान अगर कहीं नौकरी मांगने भी जाता है, चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो, तो उसको नौकरी पाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और फिर कहा जाता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप भीख मांग रहे हैं या फिर आप अन्य काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पहल की गई है उससे कितना बड़ा बदलाव आएगा वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते कि कैसे माही है। ये माही से हम अभी कुछ देर पहले मिले थे। माही यहाँ पर टिकट काउंटर पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इनका जो रोल है वो ये है कि मेट्रो में जब आप टिकट लेने जाते हैं तो वो देती है। माही, ये आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा ये बदलाव है आपके ज़िंदगी में, कितना बड़ा बदलाव आया है इस पहल से? जी, इस पहल से मेरे ज़िंदगी के साथ साथ हमारी ट्रांस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और कुछ करना चाहते हैं, बट उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बिकॉज वो ट्रांस हैं। तो इसकी वजह से वो काफ़ी, मतलब जो वो नहीं करना चाहते हैं, जैसे बैगिंग आप देखते होंगे सिग्नल पे बहुत सारे लोग करते हैं। मैं गॉड को थैंक्स बोलूँगी, कभी मुझे वो सब चीज़ नहीं करना पड़ा। पहले मैं मॉडलिंग लाइन पे मुंबई में थी, अभी फिर मैं NGOs में वर्क करके फिर अभी मैं यहाँ कर रही हूँ। तो मेरे जैसी हर किसी की लाइफ नहीं होती, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनको बहुत रिलीफ फील कराएगी। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे ट्रांस कम्युनिटी है तो वो काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनको काम ही नहीं करना है, इसलिए वो भीख मांग रहे हैं या अन्य काम। ये सबसे गलत बात है। लोग खुद को बचाने के लिए ट्रांस को बदनाम करते हैं, कहते हैं ना जिनको कोई सुनता नहीं है सारी ब्लेम आप उन पे लगा दो। आप ये हर एक जगह होता है कि अगर हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते तो सीधा बोल दो कि वो करना नहीं चाहते। हम करना चाहते हैं, इसलिए आज हम NMRC में हैं और NMRC ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं। और आपके साथ और कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों के रोल्स हैं? यहाँ पे 6 जन का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसमें से 2 हाउसकीपिंग में है, जैसे आप देख सकते हैं कुणाल। ये कुणाल है जी, ये प्रीति है। कुणाल से भी एक बार बात करेंगे। कुणाल, ये क्या आपके जिंदगी में इससे बड़ा बदलाव है? क्या एक कॉन्फिडेंस होता है, आप क्या काम करना चाहते हैं ये आप तय करेंगे, समाज तय नहीं करेगा, तो क्या आप इसको कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो मुझे पोस्ट मिली क्योंकि हम जॉब के लिए बहुत परेशान थे, अभी मैं इस जॉब से खुश हूँ, पर मैं यहाँ तक नहीं रुकना चाहता। मैं चाहता हूँ आगे और पढ़ाई करूँ, क्योंकि हमारे इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते, हमें मतलब अलग नज़र से देखा जाता, हम कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए हमारी पढ़ाई रुक जाती है। हम चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं। मैं चाहता हूं मैं भी यहां पे काउंटर की जॉब करूं। बिल्कुल, आप यहां पर एक दिन काउंटर की जॉब पर आएंगे, प्रॉपर आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन ये भी मैं कुणाल जानना चाहती हूं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो आप ये बताएं कि क्या परेशानियां आती हैं, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आप अगर जॉब लेने जा रहे हैं या फिर आप कहीं काम करते हैं या पढ़ने जाते हैं। मैं फीमेल टू मेल हूँ, तो मैं फीमेल रूप में पैदा हुआ था, पर जब मैं
मेल बन गया तो मेरे को बहुत दिक्कतें आने लगी। लोग मुझे कहते थे ये लड़का है लड़की है क्या है, ये समझ ही नहीं आता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। मतलब बहुत से गंदे कमेंट भी करते हैं कि तुम हमारे साथ चल ये कर वो कर, पर नहीं, मैंने शुरू से ईमानदारी से कमाना खाना सीखा है। और मैं पहले 10वीं पास हूँ, मैं पहले मैं ड्राइविंग करता था, उसके बाद मैं हॉस्पिटल लाइन में चला गया क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बन पाया, बहुत दिक्कतें आ गई थी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में सफाई का काम करता था, पेशेंट केयर की जॉब आई, धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद वो लॉकडाउन की वजह से वो काम मेरा रुक गया, बहुत तकलीफें झेली है लॉकडाउन में। अब जाके हमें एक सुनहरा मौका मिला है, हमें यहाँ पे जॉब दी गई, हम बहुत खुश हैं। तो आप आगे भी बहुत अच्छा करते रहें, यही हम चाहते हैं। एक बार प्रीति से भी बात करते हैं। प्रीति, आप यहाँ पर काम कर रही हैं तो आपके लिए कितना ये एक प्राउड की बात है, खुशी की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है कि लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं? मुझे यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लगा, हालांकि अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ NMRC में आए हुए, और यहाँ पे हमें ये जैसे हमें यहाँ से कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो हमें इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते। हमें ये लगा कि चलो किसी ने तो हमें समझा, कोई तो चाहता है कि हाँ हमें कोई मौका देना चाहता है कि हम आगे काम करके आगे बढ़ सकें। साथ में रहा पढ़ाई का सवाल, और अभी मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। पढ़ने के बाद मैं यहीं NMRC में ही नहीं, मैं अदर भी किसी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, बड़े से बड़े में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूँगी। लेकिन ये भी एक है कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप हर काम के लिए नहीं बने, आप ये काम नहीं कर सकते, ये लोगों की एक मानसिकता होती है, आपने भी देखा होगा अपने साथ इस तरह की। तो मैं तो ये उनको देना चाहूंगी संदेश कि मतलब उन लोगों का अपना माइंड चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, तो वही वाला सिस्टम है हमारे में। हम ये कह लो कि अगर एक भी खराब होता है ना तो वो सबको घसीट लेते हैं, जब लोग यही करते हैं उनको और कोई काम नहीं होता, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनका माइंड वॉश हो हमें देखकर, कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जैसे कि वो लोग हमें देख पा रहे होंगे या आगे हमें यहाँ पे आते जाते लोग भी देखकर, कम से कम नहीं यहाँ से जो अपना माइंड सेट करके जाएंगे वो आगे लोगों को बताएंगे, उनका माइंड वॉश हो जाएगा। और इससे माही और भी ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है करियर की वो इस कम्युनिटी के लिए खुलेंगी, क्योंकि अभी तक तो सोच ही नहीं पाते कि आप क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं, तो आगे जब जब लोग देखेंगे, लोग समझेंगे, आप लोगों से रोज इंटरेक्ट करेंगी, तो उनको और भी पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ और भी काम कर सकते हैं। जी, यहाँ पे काम करने के साथ साथ लोगों का नजरिया भी काफी चेंज हुआ है। आज मुझे लोग स्टेशन बोल रहे मैम आप तो न्यूज़ पे हो, आप यहाँ पे हो, फ्रंट पेज पे आप हो, मतलब एक जो खुशी होती है वो चीज़ है कि, और जितने भी यहाँ पे स्टाफ है सबको आके थैंक्स बोल रहे हैं और वेलकम बोल रहे हैं, तो वो काफ़ी अलग फीलिंग है सबके लिए। बिकॉज़ कभी सबके साथ हुआ होगा आई होप कि ट्रांस बोल के लोग मजाक उड़ाते, अरे ये देखो ट्रांस है करके। कल मैं टिकट मेरा सिफ्टी खत्म होने के बाद में जब घर जा रही थी, कल दो लड़के बैठे हुए थे और मुझे जॉब यूनिफॉर्म में देखे, देखो ट्रांस भी अब काम करेंगे बोल के वो हंसे। जब मैंने उन्हें देखा तो फिर वो चुप हो गए। तो अभी भी मतलब एजुकेटेड, काफ़ी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं और वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो अभी गाँव से उठ के आए हो अभी, तो उनका माइंड सेटअप चेंज होने में टाइम लगेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करो, हम आगे बढ़ के दिखाएंगे, क्योंकि हम कमेंट के पीछे नहीं जाते, हम अपने काम के पीछे जाते हैं, और हमने आगे बहुत कुछ हासिल किया है, अभी आगे हमें और भी बहुत कुछ हासिल करना है। बिल्कुल, आप हासिल भी करेंगी। और इसी तरह से जो ये NMRC ने पहल करी है, इस पूरे स्टेशन को ट्रांस कम्युनिटी को समर्पित कर दिया गया, इसी तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि वो आगे आए और इस समुदाय की भी मदद करें ताकि मुख्य धारा में हम सभी जुड़ पाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम सबको ज़रूरत है समाज में अपने आप को परिवर्तित करने की, हमें अपनी सोच परिवर्तित करने की कि ये भी हमारे ही समुदाय का, हम सबका एक पार्ट है, और उसी तरह से हमें इन्हें ट्रीट भी करना है और अपॉर्चुनिटी भी आगे उसी तरह से देनी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.